asleep, and Raj is actually on his way down in a second. Today we're going to do a reaction to BBQ Vines, Angry Master G Part 12. So, if someone requested that I speak in Hindi, let me explain that we all speak Punjabi. I speak Punjabi with Rajat. और वो मेरे ना पंजाबी बोलता है, पूरी फैमिली चपा पंजाबी बोलते हैं, पर हिंदी ठीक ठाक है और मैं कभी कभी बोलती हूँ, पर रजत के सामने नहीं बोलती क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाता है, कहता है कि मेरी हिंदी थोड़ी बुरी है तो इसलिए मैं पंजाबी ज़्यादा बोलती हूँ. सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं कभी कभी इंग्लिश में बोलती हूँ और कभी कभी पंजाबी में बोलती हूँ. So look who's here and he doesn't know I did the intro already. You really already yes, did it? I already did the intro. Surprise for him. Raj bhi upar ro raha tha, toh main upar bhaga. And okay, beech mein intro kar diya. Okay, so anyway. So this is BBQ Vines Angry Master G part number 12. मेरे को लगता है ना हमने सारी देखी है, बीच में काफी स्किप भी की है, पर रिसेंटली जितनी भी नई निकली है हमने सारी देखी है. So without wasting more time, let's watch BBQ Vines Angry Master G part. खुद बोलूंगा अन अकेडमी पे पढ़ ले. अरे नहीं नहीं आप जैसे माँ बाप ही तो है जो टीचर को टीचर डे पे विश करते हैं, वरना आजकल किसको कदर है, सब माँ बाप लड़ने के लिए तैयार बैठे. आप टेंशन मत लीजिए, आपका लड़का होनहार है, दूसरों की तरह नालायक और कामचोर नहीं है. जी आपका फोन आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू नमस्ते सर. उठो. किसने कहा बैठने के लिए? हैप्पी टीचर्स डे सर. सो रही है, इलेक्शन में खड़ा है क्या? हैप्पी टीचर्स डे सर. क्या ये मिठाई है पापा ने भेजी आपके लिए? बैठो. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मतलब माँ बाप कोई नहीं आया आज मीटिंग में, अकेले कर लोगे आज? सर टीटू मामा आए. पर मैंने तुझे पहले भी कहा था कि आज पापा उठाना है. सो रही है. तो मैंने कब बोला नशा करके पड़ी है बच्ची है कोई भी. अच्छा एक काम कर, उसकी पहली नहीं एक से पांच के बीच में चुन. चार. हाँ चौथी उंगली काट दे. अरे नहीं. अच्छा नहीं तो पांच ही काट दे. क्यों काटनी है? मैंने 5 लाख रुपए नहीं दे रहा, 3 महीने का टाइम मांग रहा था, मैंने 5 महीने दिए, उसके बाद भी फोन नहीं उठाया, घर गया तो ताला लगा था, फिर पता चला अगली फ्लाइट पकड़ के निकल रहा है, एयरपोर्ट पे धरते पहुंचे, इसकी माँ का विजय माल्या पांचों काट दे. विजय माल्या. अरे के क्या कह, तो धीरे काटेगा कसाई बन जा. चुप हो जा बेटा. सो जा जाने इसकी माँ और मेरी कल भैंस हो गई कि मैं कितना बेकार बाप हूँ. उसको लगता है मैं बच्चों को नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं इसको आज यहाँ ले आया. कितनी क्यूट है, बोलती है. भालू की बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है, बोलती है जब मन होता है तब. अभी इसके दूध पीने का टाइम. कौन पिलाएगा? मैं. कब से क्या बोतल मंगाई है? Oh, no. आ गए, लाओ दो. मैं इस मुंह से लेके आता था. दूध है बेटा थोड़ा सा पिए. इसके मुंह से धुआं क्यों निकल रहा? वाली वाइब्स मिल रही होंगी, नॉट गुड फॉर हर.
उसकी खातिर शांत हो जाइए। सही बोल रहा है भांजे, बच्चों के सामने गुस्सा करोगे तो बड़े होके गुस्सैल बनेंगे। अच्छा तुमने कभी बच्चे हाथ में लिए हैं? बहाए हैं। लिए हैं कुत्ते के, इंसान के बच्चे कभी हाथ में लिए हैं, गोद में पकड़े? हाँ एक दो बार लिए हैं। ये लो पकड़ो ध्यान से। लड़का होशियार है, सब कुछ ठीक है, पर एक इंसान को उसकी संगत मारती है। इसका अगर वो दरिंदों का ग्रुप छूट जाए ना तो मैं इसको जेईई का एग्जाम पास करवा दूंगा आसानी से। सर लेकिन मुझे ये सब नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, अन अकेडमी पे पढ़ लो जाके, वहाँ गैट गेट जितने कितने ही एग्जाम की तैयारी होगी। उस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट टीचर है हजारों में जो सब कुछ पढ़ाते हैं, और वहाँ ऐसे भी टीचर है जो ये सारे एग्जाम खुद क्रैक कर चुके हैं। बहुत उमदा जगह। वाह वाह वाह, टीचर हो तो ऐसे है बेटा, तुम बड़े नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसे गुरु मिले हैं। हमारे जमाने में तो टीचर पहले थप्पड़ मारता था फिर पढ़ाता था। सरकार ने रूल चेंज कर दिए अब। क्या? नहीं कुछ नहीं, आप इसकी संगत छोड़वा दीजिए। वो बनछोड़ दास सर, वो दिल का बहुत अच्छा है। अरे जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो क्या सीना चीर के दिल दिखाओगे? सीवी देखते हैं, वो नालायकों की फौज है। एग्जाम में एक सवाल आता है, हू एम आई, उसमें पूछा कि मैं चारों तरफ हूँ, मैं हर कण में हूँ, मैं मिट्टी में हूँ, मैं आसमान में हूँ, मैं हर दिशा में हूँ, कौन हूँ मैं? तो लिखता है राधिका आप्टे। अजीबो गरीब सवाल पूछता है, उसे पूछता मंगल ग्रह पे मंगल को छुट्टी होती है क्या? सही तो पूछा। अच्छा फिर तो ये भी बता दो कि मच्छर के काटने से डेंगू क्यों होता है, एड्स क्यों नहीं होता? क्योंकि मच्छर डंक मारता है, गांड नहीं। That was good. That was a good punch. पूरा खानदान ऐसा है। फालतू सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। क्योंकि ये आपका भांजा मुझ पे ऐसे बेतु के सवाल फेंकता है। फेंकने दो, बच्चे इस उम्र में सीखने की इच्छा रखते हैं। कल को ये बड़ी होके तुमसे पूछेगी पापा ग्रेविटी क्या होती है, तो प्यार से समझाओगे या चौथी मंजिल से धक्का दे दोगे? सर पापा ने मिठाई भेजी है, वो तो खा लीजिए। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी है इसलिए तुम्हें झेल रहा हूँ मैं, वरना ऐसे पड़ी लकड़ी अंदर लेने का शौक नहीं है मुझे। फिजिक्स के एग्जाम में पूछा कि विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड आफ्टर हीटिंग, तो कहता जलेबी। तू बेटा जाने दे, तू इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। आजकल इन्होंने क्लास में नया ड्रामा शुरू किया है, वो प्रीति जिंटा और सैफ अली खान का गाना गाते रहते हैं। कौन सा है वो जिसके अंदर ताली बजाते हैं? हाँ कुछ तो हुआ है। ताली बजा दो। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी चीनी की बोरी है क्या ये बेवकूफ? सर पापा का फोन आ रहा है, वो मिठाई के बारे में पूछ रहे होंगे, कैसी लगी बता दीजिए। हाँ पापा। हेलो भुवन बेटा, वो मिठाई मत दियो सर को, उसमें ना कीड़े लगे हुए हैं, 4 महीने पुरानी दे दी बेवकूफ ने, नई वाली भिजवाऊंगा वो देना, इसको कूड़े में डाल दियो, सुन रहे हैं ना? सर पानी पियो। अच्छा तुमने वो बोतल देखी है क्या पानी की, जिसके अंदर मैंने डीजल डाला था? कौन सी? अरे नीले रंग की बोतल है। मार ही दे टीचर को। अबे पकड़ी, अबे पकड़ी। आ मेरा बेटा, तेरे से ज्यादा चीची तेरा पापा करेगा, क्या करेगा? चीची। That was funny. That was funny. Yeah, towards the middle it got a little slow, but then you know, the punches and towards the end got really good. But what I love about Bowen is जो भी आजकल के चीज हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे काफी चीज फेमस है, उसको वो somehow अपने इसके अंदर डाल देता है। like राधिका आप्टे वाला जोक डाल दिया, और like बहुत सारी चीजें, so super funny video, like I think angry master जी जब भी आती है, whenever specially has a tattoo mama in it, you know it's gonna be hilarious video. It's gonna be funny. You follow Bhuvan on social media like Instagram and Twitter, and I was reading his father was at the hospital and he is recovering really good. So we wish him a speedy recovery. And hope he gets well soon. Hope he gets well soon. So back to this video, very funny video, really loved it. Do let us know what do you think about Angry Master Chief part number 12. And if you like this video, give it a thumbs up, subscribe to our channel, follow social media. Keep sharing your requests, guys. Bye guys, take care.